ये रचना बहुत पुरानी है, 1938 मैंने 38 बहुत पहले की है। तो हिमालय पर है, तो हिमालय मतलब ये है कि देहरादून नैनीताल नहीं, ऊपर का 18,000 फुट ऊपर का हिमालय है उसका है। बहुत जगह कोर्स में लगी हुई, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके क्या है, बादल को घिरते देखा उसके रंग बिरंगे, भूल रहा हूँ। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को बादल को घिरते देखा है। मान सरोवर के उन स्वर्ण कमलों पर गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। एक जगह रहना हमको बोरियत लगती है, धन लगता सजा है। तो मैंने कई रूप कई बात होती, एक जगह नहीं, अलग अलग वर्ग के अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के बीच में रहना, उनसे मिलना, उनसे बातचीत करना। एक जगह कलकत्ता की बात है, पान की दुकान पर दो नौजवान थे, एक पान रहते हैं, वो जो है कहते हैं बुढ़ापा जो है बहुत बड़ी सजा है। हमने पान खाया तो कहा, फिर से कहो क्या कहा, कहा बुढ़ापा ने आपको बुरा लगा होगा, हमने कहा नहीं बुरा नहीं, तुम्हारा ये जो स्टेटमेंट है वो बहुत जल्दी है, बुढ़ापा सबके लिए, बुढ़ापा काटे नहीं कटता है ये नहीं मैं मानता हूँ, बुढ़ापा अगर उसको बुढ़ापा को गुजारने की तदबीर आपके पास हो तो अब नहीं रखेगा, लेकिन अब हाय हाय भगवान हाय भगवान करते रहें तो कल मरूँ तो आज ही अभी मर जाऊँ। आम जनता की आत्मा की आवाज़ है नगर। मुझे उनकी एक कविता याद आती है और अफसोस यह है कि उनके किसी संग्रह में वो है नहीं, एक छोटी सी छोटे से पैम्फलेट के रूप में छपी थी जब भूदान आंदोलन नया नया शुरू हुआ था और छोटे छोटे बच्चे पूरे बिहार में उस गीत को गाते हुए घूमते थे, भूदान का मजाक उड़ाया गया है। कविता कुछ यूँ शुरू होती है कि ऊसर बंजर और शमशान संत विनोबा पावें दान, हर गंगे और हर गंगे की जो धुन थी वो लोक कंठ पर बस गई थी। मुझे याद नहीं कि ये जो गंगा नहाने वाले या दान दक्षिणा देने वाले लोगों का गीत राजनीतिक रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, इतने ज़ोरदार असरदार तरीके से नागार्जुन कर सकते थे। जिला दरभंगा बिहार, 1911 में सतलखा गांव में जन्मे कवि नागार्जुन का बचपन तरौनी गांव में बीता। माता पिता ने नाम रखा वैद्यनाथ मिश्र। इसी जमीन पर उनकी कविता का जन्म हुआ। उनकी पहली कविता यात्री नाम से 1930 में छपी। आरंभ में उनका लेखन मैथिली भाषा में रहा। पढ़ाओ कुछ तो कहती नहीं, एकरा जे पढ़ाए तो हमरा
एक गुलामी करे पड़त एक जो खेवा पिबा इंतजाम इत्यादि हैं तो हम बनि जाए तो ये हम घूम फिर हमका चारिटा नगर में चारिटा प्रेमिका रहती एक कहावत है जो साथे साथे गैया चराए कृष्णा हो गए गोसैया वही कहावत हमको हो रहा है हम यहीं रह गए वो घूम करके समूचा देश विदेश समूचा नाम कर लिया इससे तो बहुत अपार आनंद होता है ये अपनी माँ के पहले औलाद थे और उसके बाद कुछ हुआ नहीं तो होता है हमारे देहातों में ऐसा कहा है कि ठगने के लिए आए हैं ये ठगने के लिए आए हैं इस दुनिया में हम लोगों को और शायद जिए कि नहीं जिए इसलिए इनका नाम ठगन रख दिया ठगन माने ठगने वाला शायद यही कारण है कि इनका नाम ठगन बचपन का रह गया इसे उगड़ी जी का नाम बेचन था परिस्थिति ने दिया है डाल याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए ना समाज कौन है वह एक जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काज याद आते स्वप्न याद आते स्वप्न जिनकी स्नेह से भीगी अमृतमय आँख स्मृति विहंगम की कभी थकने ना देगी पाक याद आता मुझे अपना वो तरुणी ग्राम याद आती लीचियां वे आम याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग याद आते धाम याद आते धाम याद आते धाम गाँव हर जगह आपने भी देखा पश्चिम यूपी में भी पहाड़ों पर भी उत्तराखंड में भी और ये बिहार को देखें गांव उजाड़ हो गया है उजाड़ होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जीविका नहीं है अच्छा जिनके पास ज़मीन है वो खेती मन लगा के नहीं करते मन लगा के लिए सिंचाई का इंतजाम नहीं है सिंचाई का इंतजाम नहीं है तो वो खाली ज़मीन जो है मजदूर जो है भागा जा रहा है पश्चिम गांव गांव का जो मजदूर वर्ग है वर्किंग जैसे जो काम करने वाला जो है वो पश्चिम चला जा रहा है हावड़ा जा रहा है बम्बई जा रहा है आजकल दिल्ली में जाया जा रहा है तो इसलिए गांव में कोई रस नहीं रहा है जिसका गुंजाइश रहती है तो गांव में शादी ब्याह में लोग आते हैं खर्चा करके दो चार दिन पाँच दिन रह के चले जाते हैं गांव के लोग जो हैं वो पसंद नहीं करते कहते कि आए हैं बाहर से चीज़ों को महंगी बना के चले जाएं तरौनी की संस्कृत पाठशाला में कवि नागार्जुन की प्रारंभिक शिक्षा हुई उसके बाद वे काशी और कलकत्ता संस्कृत का अध्ययन करने के लिए गए बौद्ध दर्शन और पाली भाषा के अध्ययन के लिए वे श्रीलंका गए जहां वे बाकायदा बौद्ध भिक्षु बन गए और उन्होंने वहां नाम अपनाया नागार्जुन कि हम श्रीलंका गए 37 में वहाँ जो मोनेस्ट्री थी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री
उन्होंने कहा कि आप कोई अपने लिए नाम सुनिए। हमने सोचा कि नाम तो बहुत हैं, तो मैंने कहा ये नागार्जुन तो इतिहास के पुरुष हैं, तो इनके कई काम अधूरे हैं, तो उनको मैं पूरा करूंगा, इसीलिए ये नाम रखा। जिनके जीवन का हम पर बहुत असर पड़ा है उसे महापंडित राहुल सांकृत्यायी, तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ये प्लान बनाया कि इनको श्रीलंका से आ करके तिब्बत में रहना है 2 साल, तिब्बत से फ्रांस जाए। लेकिन हमको इस बीच में ये हो गया कि किसानों के नेता स्वामी सजान से सुनी, उनसे पत्रव्यवहार हुआ, उन्होंने कहा राहुल तुमको भटका रहा है, वो मुर्दों की खोज में लगा रहता है, पुरातत्व माने मुर्दों की खोज, तुम जिंदो यहाँ तो जिंदा जब लोग हैं दुखी हैं हजारों हैं लाखों हैं उनके बीच में आगे देखो तो तुमको मोह भंग हो जाएगा, इसलिए आए हम इसी भावना से। लेकिन यहाँ आकर के हमारे लिए हुआ वही आम जनता में काम करना चाहिए। देश की जनता के बहुरंगी जीवन को नागार्जुन ने कोने कोने में झांक कर ही नहीं मानो छू कर देखा। सिंध से लेकर तिब्बत तक की यात्राएं करते हुए नागार्जुन के कवि मन में यात्री और खोजी एक होते चले गए। जिंदगी की ललक ने ही नागार्जुन की कविता को तीखा तेवर दिया है और अपने तीखे प्रतिवाद को नागार्जुन ने कविता में ही नहीं जीने के तरीके में भी व्यक्त किया। किसान आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण 1939 से 1941 के बीच वे कई बार जेल गए। भागलपुर सेंट्रल जेल में, ये यहाँ हजारीबाग सेंट्रल जेल में इनमें रहे, और स्वतंत्रता के बाद संपूर्ण क्रांतिवादी आंदोलन में भी रहे जेल में, बक्सर सेंट्रल जेल में। तो ये है एक जब हमको लगा कि जेल से लोग फायदा उठाते हैं तो हमको नफरत हो गई, हम अपनी भावना से गए थे ना, हम फायदा उठाएंगे, फायदा उठाने के लिए हमारे बहुत सारे लोग हैं पार्लियामेंट में, राजनीति से तो कई लोग कहते हैं राजनीति से अगर लाभ नहीं उठाया तो तू बेवकूफ आदमी। नागार्जुन की कविता जन आंदोलनों की धड़कनों की कविता है, वह जन आंदोलनों की धड़कनों की कविता बनती हुई एक तरह से भारतीय समाज के इतिहास की गवाही देती हुई कविता है। और नागार्जुन की कविता चूंकि जन आंदोलनों को ध्यान में रखती है, इसलिए उसका स्वरूप भी जन आंदोलनों की चिंता के अनुरूप ही बनता है। बाबा ने अपनी एक कविता में कहा है कि जनकवि हूँ मैं, साफ कहूँगा क्यों हक लाऊं, बल्कि मैं दोनों पंक्तियां रखना चाहूँगा। कविता यूँ चलती है, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊँ, जनकवि हूँ मैं, साफ कहूँगा क्यों हक लाऊँ। जिन कवियों की राजनीतिक दृष्टि में दुविधा होती है उन्हीं की अभिव्यक्ति और कविता की कला में हकलाहट होती है। कोनो समालोचक एखन तक एहि निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकला अछि जे नागार्जुन जी कोन बादक कवि छथि, हिनका कोन इज्म में कोन बाद में बानी कर राखल जाय। एहन जे विराट प्रतिभा छै, विराट व्यक्तित्व छै, प्रतिभाक पुंज छै, जकरा कोनो एक धारा में बानी कर नहीं राखल जा सकैए, एहन जे विरल साहित्यकार जे हजार हजार वर्ष के बाद उत्पन्न होइ छै जन्म लै छथि ताई साहित्यकारक श्रेणी में, ताई महामनीषिक श्रेणी में, वही महान परंपरा में नागार्जुन जी के नाम अंकित हैं। नागार्जुन ने एक छंद लिखा है जो आए दिन बहार के, अब 19वीं सदी के पारसी थिएटर में गाया जाता था, आमतौर से चुनाव आ रहे हैं तो हम आप देखेंगे कि टिकट लगा लेने वालों की भीड़ लगी हुई है, और दिल्ली से टिकट मार के कोई आदमी लौटता है तो कैसी उसकी शक्ल होती है। तो नागार्जुन ने लिखा है कि श्वेत श्याम रतनार अखियां निहार के आए हैं दिल्ली से, एक टिकट मार के
और उसके साथ उन्होंने जोड़ा है, खिले हैं दांत ज्यों दाने अनार के, आए दिन बहार के। अब यहाँ दांत अनार के दाने की तरह से खिले हुए हैं, पुरानी उपमा अपनाई, लेकिन आए दिन बहार के जैसे प्रचलित पारसी थिएटर के गीतों को नागार्जुन ने एक राजनीतिक रूप दिया है। और कबीर की तरह ही व्यंग का तो उस्ताद आदमी है। हमको बाहर से लोग पूछते हैं कि कविता तो अब बेकार जा रही है, कविता से कोई काम नहीं हो रहा है, तो हम क्या हो कविता में प्राण आए, जान आए, तो कविता का मंचन हो तो उसमें कुछ जान आ सकती है। मंचन अगर हो और मंच तो उसका मतलब मंचन होगा तो ये विधा आ गई, नाट्य विधा आ गई, और उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कभी खुद ही पढ़े। जिसका गला अच्छा हो, जिसका आवाज़ अच्छी हो, उसको नोट कर दे कि भाई अब फना कविता को इस तरह से पढ़ना है, तो वो प्रोजेक्ट है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुटिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, कई दिनों के बाद, कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कोई चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौए ने खुजलाई पाखें कई दिनों के बाद, कौए ने खुजलाई पाखें कई दिनों के बाद, कौए ने खुजलाई पाखें कई दिनों के बाद। राजनेताओं के सम्मान में आज दिन का पूर्व रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति श्री डी क्लर्क ने अपने देशवासियों का आह्वान किया है। नागार्जुन 1930 से लगातार लिख रहे हैं। उनके प्रमुख संग्रह हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या। पत्रहीन नग्न गाछ के लिए 1968 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कविता ही नहीं, नागार्जुन ने कहानियाँ भी लिखी हैं और उपन्यास भी, लेख भी लिखे हैं और यात्रा संस्मरण भी। आज भी वे रोजाना ढेरों चिट्ठियां लिखते हैं। हिंदी में आज नागार्जुन की स्थिति वही है जो किसी जमाने में नजीर अकबराबादी की थी। लोग उन्हें शायर मानने को तैयार ही नहीं थे क्योंकि वो गजलगो शायर नहीं थे, और तो और वे ककड़ी वाले के लिए कविता लिखते थे, नज्म कहते थे, जमुना में तैराकी हो रही है उस पर नज्म कह रहे हैं। नागार्जुन ने भी ऐसी ही बीहड़ चीज़ों के बारे में जो आमतौर से कविता के विषय ही नहीं होते थे। अब मसलन उन्होंने एक कविता कटहल पर लिखी है, आह खूब बड़ा है कटहल, आह क्या महमह कर रहा है कटहल, आह चारों खाने चित्त पड़ा है कटहल। एक बच्चे की तरह से कटहल के को देखकर जिस तरह से उछल उछल करके बाबा कविता लिख रहे हैं और कह रहे हैं, उनके भीतर इस बुढ़ापे में भी एक अंदर एक मासूम बच्चा बैठा हुआ है। गुलाबी चूड़ियां ये कविता है, लगभग 30 साल पहले लिखी गई थी। 30 साल पहले मध्य प्रदेश में हम यात्रा कर रहे थे, वो ऐसा था
कि यहाँ से चले दो चार दिन रुक करके, तो वो प्राइवेट बस से मतलब है कि ये गुलाबी चूड़ियाँ और नंदी कलाइयों की, मतलब 7-8 साल की बच्ची है, उसकी माँ मर गई है, तो वो अपनी माँ के याद में वो चूड़ियाँ अपने अपने पापा के सामने टांग देती है। प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ, 7 साल की बच्ची का पिता तो है, सामने गियर से ऊपर हुक से लटका रखी हैं कांच की 4 चूड़ियां गुलाबी, बस की रफ्तार के मुताबिक हिलती रहती हैं। झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका अधेड़ उम्र का मुच्छड़ रौबीला चेहरा, आहिस्ता से बोला, हाँ साहब, लाख कहता हूँ नहीं मानती है मुनिया, टांगे हुए हैं कई दिनों से अपनी अमानत, यहाँ अब्बा की नज़रों के सामने मैं भी सोचता हूँ क्या बिगाड़ती हैं चूड़ियाँ, किस जुर्म पे हटा दूँ इनको यहाँ से। बाबा, दूधिया वात्सल्य से आपका क्या अभिप्राय है? दूधिया वात्सल्य इसलिए है कि उसमें माँ का भी एक अंदाज आता है, एक बूढ़े का भी वात्सल्य होता है, वात्सल्य माने स्नेह प्यार अपनापन, तो पिता का जो होता है उसमें और माँ के जो होता है उसमें फर्क पड़ता है, ये कहना चाह रहे दूरिया वासल से मतलब। और ड्राइवर ने एक नज़र मुझे देखा और मैंने एक नज़र उसे देखा, छलक रहा था दूधिया वात्सल्य बड़ी बड़ी आँखों में, तरलता हावी थी सीधे सादे सवाल पर, और अब वे निगाहें फिर से हो गईं सड़क की ओर, और मैंने झुककर कहा, हाँ भाई मैं भी पिता हूँ, वो तो बस यूं ही पूछ लिया आपसे, वरना ये किसको नहीं भाएंगी नन्ही कलाइयों की गुलाबी चूड़ियाँ। भाई बच्चे पसंद करें, उठ के भागने जाएं, बैठे रहें वहाँ देखें तो वो तो अच्छा है, लेकिन यही बच्चों के बारे में सयाने लोग जो सोचते हैं उनकी परिकल्पना है वो उस पर दादी जाती है, वो ठीक नहीं। इस प्रकार से प्रयोग कुछ है इटली और जापान इन जगहों में हुए हैं, अलग अलग एज ग्रुप के बालकों के लिए बालिकाओं के लिए, तो अपने यहाँ इसका रिवाज नहीं है, क्योंकि सुपरहिट फिल्मों के लिए जान दे रहे हैं लोग, तो कमाई है उसमें, और कमाई के लिए आवश्यक है कि मूर्खता का उपयोग हो। बचपन मुझे कभी पिटाई पिटाई नहीं लगी, और बाबा से क्योंकि बराबर बीमार रहा हूँ, तो हो सकता ये हो कि बड़ा लड़का बीमार रह रहा है उसको क्यों ज़्यादा वो कुछ कहा जाए सारी तकलीफ दी जाए, तो वो नहीं रही, पिटाई पिटाई नहीं लगी हमारी। तो 8वीं क्लास में शायद मैं था संभवत, तो 8वीं क्लास में जब मैं था तो एक बार पढ़ने के लिए मैं सवेरे नहीं उठा, एक थप्पड़ मुझे लगी, जाने के लिए तो सोचूंगा, खोल दीजिए उसको आप। उन्हीं दिनों बाबूजी ने मुझसे एक बार कहा था, कभी भी अपनी तुलना ऊपरी वर्ग से मत करो, नीचे देखो तब समझ में आएगा जीवन क्या है, तुमसे ऊपर वालों की संख्या सीमित है और नीचे वालों की गिनती नहीं कर पाओगे, ऊपर देखने से असंतोष बढ़ेगा, नीचे देखने के लिए राख खोजने में मदद मिलेगी, तुम्हें तो किसी तरह दोनों समय रूखा सूखा खाना मिलता है, अपने आसपास देखो कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें दो दो दिनों तक अन्न देखने तक को नहीं मिलता है, उसकी क्या दशा रहती है, वे कैसे जीते हैं, और सच मानिए इन वाक्यों के सहारे अभी मैं जी रहा हूँ।
ये लाल वो लाल ये लाल वो